आप सभी का, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। उन्नाव की भगवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में हम आप पहुंचे हैं और जनता के बीच में सीधे यहां से जाएंगे और जानेंगे 2022 के लिए क्या मूड बना रही है यहां की जनता, उसके मुद्दे, समस्याएं, परेशानियां और जो अच्छे काम हुए हैं वो क्या है, क्या है जनता का मूड। अगले साल चुनाव आ रहा है, सरकार कैसा काम कर रही है, किस तरफ मूड आपका बन रहा है? राशन मिल रहा दीदी, महीना क्या 6 महीना के मिल रहा है, 6,000 रुपया मिल रहा है किसानन के। यार अब इनका कहा चाहिए, और जनता का नहीं, और अब भी भाजपा की बनी है सरकार। मूड है एकदम चेंज, सपा सरकार आनी चाहिए क्योंकि उनकी सरकार में विकास अच्छा हुआ है, इनकी सरकार में विकास नहीं है, सिर्फ विनाश है। लोग परेशान हैं, छोटे व्यापारी भी बहुत परेशान हैं, इतने परेशान हैं कि आत्महत्याएं आगे करेंगे। इन्होंने जब से GST और नोटबंदी की है, लोग इतना परेशान हैं, कह नहीं कोई पा रहा, क्योंकि छोटी चीज़ें दे रहे हैं। राशन दे रहे हो आप, छोटा सा 5 किलो अनाज में क्या हो पाएगा मैडम, कुछ भी नहीं हो पाएगा। आप गैस सिलेंडर देखिए कितने रेट हैं, डीजल कितना महंगा, पेट्रोल कितना महंगा, कड़वा तेल इतना महंगा है कि छोटा व्यापारी तो मर ही जाएगा, कोई जी नहीं पाएगा। समझ लीजिए जब तक ये सरकार रहेगी सभी लोग परेशान ही रहेंगे। सारी सुविधाएँ मिल रही हैं, किसानों को पैसा मिल रहा है, जैसे कि सारी सुविधाएं मिल रही हैं, सब सारी सुविधाएं अच्छे से मिल रही हैं। योगी सरकार दोबारा से फिर आनी चाहिए हमारे देश में। JP के मैं जो खिलाफ हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा महंगाई मुझे इसी गवर्नमेंट में देखने को मिली है, और दूसरी बात भी है कि जितना भी जो है बेरोजगार है वो त्रस्त है, वो जो है बहुत ही बुरी तरीके से त्रस्त है। अभी मैंने जो TGT का एग्ज़ाम दिया है तो हर डिस्ट्रिक्ट में इतनी धांधली हुई है, लेकिन वर्तमान गवर्नमेंट जो है इसका मतलब कोई भी विरोध नहीं कर रही है। बस योगी जी, बस BJP ही है, उसी से भला, दूसरे से भला नहीं कोई, बस वही आएगी वही बनेगी। एक तो गुंडा राज बंद है, व्यापारी लोग, हम लोग जाते थे तो लूटमार हो जाती थी रास्ते में, आज तक का 4 साल में एक बार भी नहीं सुनाई दिया है कि कोई लूटा गया हो या कुछ भी हुआ हो। सरकार कैसा काम कर रही है? वो बहुत बढ़िया कर रही है, हम लोग तो माला माल हो गई सरकार में। ये व्यंग है या असलियत है? व्यंग है कि असलियत? वो समझ रहे हैं लोग, समझ रहे हैं क्या है। तो परिवर्तन चाह रहे हैं सरकार में आप? बिल्कुल चाहिए। राम मंदिर निर्माण जो था, जो उनका संकल्प था वो पूरा हुआ, धारा 370 जो उनका संकल्प था वो पूरा हुआ, इसी के तहे हैं तमाम अनेक ऐसे काम हुए जो उनके मैनिफेस्टो में था वो सब पूरे हुए। भगवंत नगर विधानसभा सीट की बात करें तो ये विधानसभा स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित की सीट है। 2017 में वो यहां से विधायक बने और दूसरे नंबर पर यहां बसपा रही। 2012 में कुलदीप सेंगर सपा के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ चुका है और उससे पहले 2 बार ये सीट बसपा के खाते में जा चुकी है। जातिगत समीकरणों के आधार पर यदि देखा जाए तो ये ब्राह्मण बहुल्य इलाका है, जबकि क्षत्रिय और मुस्लिम वोटर्स भी यहां ठीक ठाक हैं। सरकार बदलनी चाहिए, ये सरकार तो बहुत परेशान कर रही है। तो अब कौन अच्छा लग रहा है? अरे जो आपको अच्छा लगे वो हमको अच्छा लगे, लेकिन ये सरकार नहीं आनी चाहिए। मैडम देश की हालात और परिस्थितियों को देखते हुए ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस बार 340 से 370 सीटें लेके आ रही है। जानवर सा बनना छुट्टा रहते हैं, इसमें जो को अगर वो पास है जो है 10-20 बार तो जोत भी नहीं पावत, जानवर इतना खाए जा रहे हैं। तो योगी जी आएंगे, योगी 100%, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। क्या कारण है? कारण यही है कि जो है देखो सब बांट रहे हैं, महंगाई जरूर है थोड़ा जो है गैस वगैरह में, मगर बांट भी तो रहे हैं, और दंगे वंगे नहीं हो रहे हैं, नहीं दंगे हुआ करते थे। यार लाइट समस्या है, रोड समस्या है, पानी समस्या है, पानी समस्या में लाइट कम आ रही है हमारे यहाँ, कटौती कोई टाइम नहीं, कभी कट रही कितना कट रही। तो योगी जी पसंद है या बदल जाना चाहिए सरकार? अभी कुछ नहीं बताया जा सकता। सरकार बननी है उनकी, मोदी की, जो पहले मूड था वही आज भी मूड है। गरीबों को रोटी, गरीबों को कॉलोनी है, गरीबों को भत्ता, उसमें क्या दिक्कत है? हम कोई दुखी थोड़ो है मोदी सरकार में, जो हम उनको वोट नहीं देंगे या हमारी जनता उनको चुनेगी नहीं। महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है आपके लिए? ये तो थोड़ा बहुत आल्टा पल्टा होया करता है, कभी राम वनवास में तो कभी सब्जी वनवास में। हम लोग तो सरकार बदलना चाहते हैं क्योंकि कोई विकास नहीं हुआ, जुमलेबाज सरकार है, टोटल जुमलेबाज, जो बोलते हैं कुछ नहीं, सारा देश तो बेचे दे रहे। दूसरी सरकारों के ये कहते हैं कि 70 साल में क्या हुआ, आखिर 70 साल में हुआ नहीं तो ये बेच क्या रहे हैं।
जो आस्था का आस्था की जगह थी, हमारे लोगों की उम्मीद थी राम मंदिर बने, उसको हम लोग देखें, अच्छी भावनाएं थी हिंदुत्व की, वो जो जागृत था, ये सरकार ने अच्छे काम किए। बहुत अच्छा लग रहा है सरकार, इतनी से भ्रष्टाचार सारा खत्म है, गुंडाई सारी खत्म हो गई, प्लस गरीबों को जो जिसके कभी छत नहीं थी मजबूत होने की उम्मीदें थी कि एक छत हम मीट रखा पाएंगे, उनके आवाज़ मिल रहे हैं, शौचालय मिल रहे हैं, राशन मिल रहा है, चूल्हे मिल रहे हैं, और क्या चाहिए। मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे शरीर में उतनी ताप नहीं रहेगी, मेरी किडनी निकल गई, मेरे पित्त निकल गए मेरे ऑपरेशन से, तो मेरे मेहनत कर नहीं पलेदारी करता था, मेहनत करता था कर नहीं पाता हूँ, तो पैसा नहीं आता, बात ये। मगर मेरी बीजेपी सरकार मेरे बचपन से नहीं मेरे पीढ़ियों से चली आ रही है और अच्छा काम कर रही है, हर महीने में दो बार सबको गल्ला दे रही है, ना हिंदू देखती ना मुस्लिम देखती है। कहाँ महंगाई भाई, सब कुछ कॉलोनी दी जा रही, तो कॉलोनी का पैसा आएगा कहाँ से भाई, सरकार कहीं और कहीं से तो लाएगी नहीं, दूसरे देश से, अपने यहाँ से ही सब कुछ एडजस्ट करेगी, तो जो कुछ भी कर रही बीजेपी अच्छा कर रही है। ईमानदारी के साथ काम हो रहा है, महंगाई जरूर थोड़ा बहुत ज़्यादा है, गैस बढ़ गए, पेट्रोल बढ़ गया, मगर इधर जो है अच्छे भी काम हो रहे हैं, जैसे घर ढाई ढाई लाख के, जो आदमी सोच नहीं सकता था, जो चार पाँच दस साल में नहीं बन सकता था, वो ढाई लाख की बिल्डिंग खड़ा कर रहा है। योगी जी के साथ सपोर्ट करें, क्या अच्छा कर रहे हैं योगी जी। योगी जी ने पहली चीज़ हमको लगा कि जो दंगा फसाद हुआ करते थे, इनकी सरकार में किसी प्रकार का कोई दंगा नहीं बड़ा कोई हुआ। तो जनता रिपोर्ट कार्ड बनाना शुरू कर चुकी है, अब भी बेशक कुछ महीने बाकी हो, लेकिन मूड सेट होना शुरू हो गया है और मुद्दों का भी उसने जिक्र कर दिया है। स्टूडियो लिए चलते हैं, बाकी विधानसभाओं पे किन मुद्दों पर जनता ने मूड बनाया है वो आपको बताते हैं।